बीएससी पार्ट सब सेकंड के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार शर्मा, आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं अब एक नई यूनिट की। कल हमने स्टैटिक्स को क्लोज किया है, आप सभी को ध्यान में होगा। और स्टैटिक्स को हमने लगभग 8 से 9 वीडियो में कंप्लीट किया है। आपने वहां पर जाकर अगर स्टैटिक्स के सारे वीडियो देखे हैं तो अब आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। कोई इंटेलिजेंट नहीं है, सभी एवरेज रहते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस करें तो आपको सब समझ आ जाएगा। लेकिन वीडियोस या ऑफलाइन बुक्स अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक की। मैंने आपको गाइड भी किया था कि आप पढ़ें एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी पेपर फर्स्ट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी समस्या है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। और मैं आपको बता दूं जो टैक्सोनॉमी है वो यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बनाती है। इसके वीडियो आपके पास आ भी रहे हैं, आप देख भी रहे हूँ, क्लास में चल रहा है। यूनिट नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ बनाती है एम्ब्रियोलॉजी। अगर कोई स्टूडेंट ये और ये कर ले तो उसको ज़्यादा फैमिली में सरदर्द लेने की ज़रूरत नहीं। हालांकि टैक्सोनॉमी इजी रहती है, लेकिन स्टूडेंट कई बार इसको ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए उनकी समझ से बाहर हो जाती है। तो आप एम्ब्रियोलॉजी में जा सकते हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है वो एम्ब्रियोलॉजी इट मीन्स भ्रूण विज्ञान पर ही है। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान या भ्रूण के विकास का अध्ययन, इसको हम भ्रूण विज्ञान कहेंगे। हम प्राइमरी लेवल से चलेंगे, सबसे फर्स्ट लेवल है वहीं से चलेंगे। और देखेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट आगे चलता है। तो शुरुआत करते हैं हम एक बेसिक टॉपिक से जिसको हम फ्लावर से डिनोट करते हैं। फ्लावर, जब भी हमने कभी किसी पौधे को देखा है और उसमें फूल बनते हुए देखा है तो हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि इसके अंदर ये फ्लावर कैसे बना है। हार्मोनल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसी वे में जाएंगे। किसी भी शाखा के शीर्ष भाग पर हमेशा पुष्प का निर्माण होता है, लेकिन शाखा पर पुष्प का निर्माण हो उससे पहले इस शाखा की स्थिति क्या है वो देखो आप। ये शाखा नोड और इंटरनोड में बटी होती है। पूरी शाखा में नोड और इंटरनोड होते हैं। इंटरनोड ये पोर्शन है, स्पेस बिटवीन टू नोड्स, और ये नोड है। ये तो क्या नोड यानी पर्व संधि, और यह इंटरनोड पर्व। हमेशा नई लीव का निर्माण बोल दीजिए, नई शाखा का निर्माण बोल दीजिए, हमेशा इन्हीं भागों से होता है। लेकिन जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसके अंदर पुष्पन की शुरुआत होती है तो ये जो नोड और इंटरनोड हैं ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं नज़दीक, और नज़दीक होकर ये फ्लोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट गोथे ने दिया। गोथे कहते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित शाखा है। फ्लोर इज ए मॉडिफाइड सूट अकॉर्डिंग टू गोथे। ये जो पार्ट या ये कहें कि जो नोड कंडेंस हुए हैं, यहाँ से फ्लोर के डिफरेंट पार्ट बनेंगे और ये कंप्लीट संरचना एक समय बाद में फ्लोर बन जाएगी। इसीलिए किसी ब्रांच के ऊपर इनके कंडेंसेशन से ही पुष्प का निर्माण होता है। हार्मोन फ्लोरिजन का रोल यहाँ है,
लेकिन हम अभी हार्मोनल लेवल की बात नहीं करें, पहले भी बोला था हम इसके विकास को समझेंगे। किसी भी पुष्प के अंदर क्या हो उससे पहले एक बेसिक बात जान लेते हैं। प्लांट कैटेगरी में जो सीड्स प्लांट हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो है क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, और दूसरा है फेनेरोगेम्स। ए उन्मिल और उन्मिल ऐसे पौधे जिनके अंदर फ्लोरल स्ट्रक्चर छुपी हुई हो, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर छुपी हुई हो, ए उन्मिल में आएगी, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हो लेकिन वो हाइड हो, छुपे हुए हो, उसे हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, क्रिप्टो मीनिंग छुपा हुआ, और गेमस का मतलब होता है मैरिज, मैरिज, छुपकर शादी करना। इट मीन्स आप जनरली इस वर्ड को ऐसे ले सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन होगा तो सही लेकिन छुपकर होगा, या ये कहें कि पुष्पीय अंग छुपे हुए होते हैं, इसलिए उनको क्रिप्टोगेम्स कह सकते हैं। फेनेरोगेम्स, फेनेरो का मतलब होता है खिला हुआ, उन्मिल खिला हुआ, जनरल ट्रेंड में हम इसको ओपन बोल सकते हैं, खुला हुआ या ओपन, बुलिस जिसको बोलें, और गेम्स का मतलब शादी होती है तो खुले में शादी बोल सकते हैं आप इसको। इट मीन्स जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो ओपन हो, वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली ये पहचान में आ जाए कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल है, और इनके अंदर इस प्रकार से जनन हो रहा है, तो वो फेनेरोगेम्स कहलाएंगे। हम अपने इस टॉपिक में फेनेरोगेम्स की बात ही करने वाले हैं, मैंने सिर्फ अंतर बताया है। तो फेनेरोगेम्स के अंदर जो मुख्य संरचनाएँ हैं उसे हम फ्लोवर कहते हैं, पुष्प कहते हैं। फेनेरोगेम्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या उन्मिल जनन संरचनाएं क्या कहलाएंगी? फ्लावर कहलाएगी, पुष्प कहलाएगी, पुष्प। और ये बात पहले कर चुके कि पुष्प क्या है? रूपांतरित शाखा है। ये दोनों बात हम पहले ही कर चुके हैं। क्रिप्टोगेम्स सॉरी फेनेरोगेम्स हैव ए स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फ्लोवर, विच इज ए मॉडिफाइड और चेंज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच और ट्विग। अब पहले हम बात करते हैं फ्लोर की स्ट्रक्चर की। फ्लोर की स्ट्रक्चर के बारे में आप दुनिया में जितने फ्लोर देखोगे सबके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस है। कॉमनली अगर मैं किसी भी पुष्प के बारे में बात करनी है तो हम क्या देखेंगे, क्या बेसिक होना चाहिए वो देखो आप। मान लेते हैं ये कोई तना है या कोई शाखा है, इसके ऊपर एक शाखा बन रही है मान लेते हैं ये, और इस शाखा पर एक पुष्प खिला हुआ है, ये है पुष्प, तो ये है पुष्प, ये मान लो ये, तो ये पहली बात तो ये पुष्पीय शाखा है, जिसमें पुष्प खिला है। ये पुष्प का वृंत है, पुष्प वृंत, यहां जहां पुष्प टिका हुआ है वो है पुष्पासन, पुष्पासन, और ये पुष्प के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट, विभिन्न भाग। अगर यहाँ से बहुत सारे पुष्प निकलते हों साइडों में, आगे भी, तो ये वृंत क्या कहलाएगा? पुष्पावली वृंत कहलाएगा। पुष्प वृंत एक फ्लोर के लिए होता है, पुष्पावली वृंत अनेक फूलों के लिए होता है, ये दोनों में कॉमन डिफरेंस है। अब हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, इस स्ट्रक्चर के हम बारे में बात करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे कि फ्लोर में बेसिकली क्या है। तो देखो डायग्राम पे आएँ। सबसे पहले ही पुष्प का एक स्पेसिफिक वृंत होता है जिसको हमने पुष्प वृंत नाम दिया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये
ऊपर की ओर एक स्पेसिफिक संरचना बनाती है जिसको हम पुष्पासन कहते हैं, पुष्प का आसन। यहाँ पर पुष्प के विभिन्न भाग जुड़े होते हैं। पुष्पासन, थैलेमस, यहाँ पर चार प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। सेंटर में एक, उसके बाद में नंबर दो, उसके बाद में तीसरा, फिर चौथा चक्र। ये चक्र बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बीच वाले चक्र की, फर्स्ट रोल बोल सकते हैं। यह पहला चक्र, इसका ऊपरी भाग एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के रूप में हो सकता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी भी हो सकती है। बीच में एक लंबा टिग और नीचे का भाग फुला हुआ होता है इस प्रकार से, ऐसे। इसे बोलेंगे हम वर्तिकाग्र, ये कहलाएगी पूरी की पूरी वर्तिका, और ये कहलाएगा अंडाशय। दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड ओवेरी। तो फर्स्ट रोल ऑफ फ्लावर मेड बाय थ्री स्पेसिफिक पार्ट विच इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एंड डिनोटेड एज गाइनोसियम, जायांग और गाइनोसियम। इसकी एक यूनिट को हम स्त्री केसर भी कह सकते हैं। जायांग कंप्लीट, कितने भी उनको कंबाइंडली हम जायांग कहेंगे, एक यूनिट स्त्री केसर कहलाएगी, इट मीन्स कार्पल। सेकेंड रोल की बात करते हैं, ये है फिलामेंट, तंतु, और ऊपर की ओर इसके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पराकोष, एंथर। दिस इज डिनोटेड एज एंथर, और जहां पर ये कनेक्टेड है, इट मीन्स ये पार्ट, ये है संयोजी, कनेक्टिव। इन तीनों को संयुक्त रूप से हम पुंकेसर या एंथर कहते हैं। पुंकेसर या एंथर कहेंगे, और संयुक्त रूप से ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, इन दोनों को अगर मिला लें तो इन दोनों को कहा जाएगा आवश्यक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आवश्यक जनन संरचना। बहुत ही फंडामेंटल है। आज का वीडियो आपको बड़ा आसान लग सकता है कि ये तो सर हमें पता है, लेकिन अगले वीडियोज के जितने भी लिंक हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ गए तो आगे किसी वीडियो को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीसरे चक्र की बात करते हैं हम, थर्ड रोल, यह है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, बेसिकली ये कोरोला कहलाता है, और रंगीन और रंगहीन हो सकता है, दोनों ही बात हैं। सॉरी, दलपुंज है ये, दलपुंज, ये कलर्ड हो सकता है और कलरलेस हो सकता है। थोड़ा सा बता दूं, अगर ये कलर्ड है, रंगीन है, तो ये कीट परागण में काम आता है, इंसेक्ट पोलिनेशन में काम आएगा, हेल्प इन इंसेक्ट पोलिनेशन, कीट परागण में सहायता करेगा। और यदि ये रंगहीन है तो इसका कोई खास एडवांटेज नहीं है, कोई खास फायदा नहीं है। तो जितने भी कीट परागित पुष्प हैं
और आप ये पूछते हैं जितने भी रंगीन पुष्प हैं उनमें ये कीट प्राणी में सहायता करता है। तो तीसरा ये चक्र हुआ। फोर्थ है जिसको हमने बाह्य दल पुंज कहा है, बाह्य दल पुंज। ये आम तौर पर हरा होता है, जनरली कभी कभी ये रंगहीन भी हो सकता है और बहुत कम ये रंगहीन हो सकता है, मोस्टली हरा होता है, जो कि सबसे बाहर आपको दिखेगा और पुष्प को ये प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये जो दोनों हैं ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट इनका रोल है रिप्रोडक्शन के अंदर, लेकिन इन दोनों को हम सहायक जनन अंग कहेंगे। यह है सहायक जनन अंग। तो पुष्प के बेसिकली चार पार्ट हो गए हमने देखे, नंबर एक जायाम, नंबर दो पुंकेसर, नंबर तीन दलपुंज, नंबर चार बाह्य दलपुंज। थोड़ा सा बेसिक यहाँ देखते हैं इस अंडाशय में, ये क्या है। अगर मैं अंडाशय की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनलार्ज करूँ, बढ़ाऊँ, तो हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में ये अंडाशय है क्या। इसके अंदर विशेष प्रकार की संरचनाएँ बनती है जिनको हम ओव्यूल कहते हैं, बीजांड, बीजांड कहा जाएगा इनको, इट इज कॉल्ड बीज का अंड, बीजांड। ये भविष्य में सीड में कन्वर्ट हो सकती हैं, हो सकती क्या है, होती ही है, और ओवरी जो है वो बदल जाएगी फ्रूट सीड में, इट मीन्स फ्रूट में। तो बीज इन फ्रूट में आ जाएंगे, इसीलिए इस कैटेगरी का नाम है एनजियो स्पर्म। ये बात हमें समझनी चाहिए, जिम्नोस्पर्म में ऐसा होता नहीं है। जिम्नोस्पर्म में बीज जो हैं, इट मीन्स ओव्यूल जो हैं, वो डायरेक्ट ओपन होते हैं, सीधे ओव्यूल, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, इसलिए उनमें केवल बीज बनते हैं, फल नहीं बनते। तो ये बेसिक डिफरेंस भी है। तो आज की वीडियो में हमने पुष्प क्या है, कहाँ बनता है, इसके बारे में ओपिनियन क्या है, विभिन्न टर्मिनोलॉजी और पुष्प के आकार के बारे में बात की है, पुष्प के बेसिक चार पार्ट कौन कौन से हैं उनके विषय में जाना है। ये वीडियो बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पोर्टेंट ना भी माने, लेकिन अगर इसकी शुरुआत हम नहीं करेंगे तो हमें आगे वाले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो आप इसको देखें, समझें, और अगला पॉइंट इससे रिलेटेड रहेगा। अगले में हम बात करेंगे पहले पुंकेसर की, उसके बाद में स्त्रीकेसर की, यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो अगला वीडियो अपना रहेगा पुंकेसर से रिलेटेड। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।